दोस्तों एक बार फिर सभी सीएससी वीएलई भाइयों के लिए यहां पर एक गुड न्यूज़ आ चुकी है, क्योंकि सीएससी के माध्यम से एक बार फिर से आधार यूसीएल का काम सभी सीएससी वीएलईओं को मिलना स्टार्ट हो गया है। क्योंकि दोस्तों अभी तक जो आधार यूसीएल का काम था वो सीएससी की तरफ से नहीं मिल पा रहा था, जो नया रजिस्ट्रेशन था वो नहीं हो रहा था। जो पुराने सीएससी वीएलई थे जिनके पास आधार अपडेट का काम था, लेकिन जो नए सीएससी वीएलई थे उनको आधार का काम नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन था वो अब तक बंद चल रहा था। लेकिन यहाँ पर अब सभी सीएससी वीएलईओं के लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो ओपन कर दिए गए हैं। दोस्तों आज हम आपको लाइव दिखाने वाले हैं कि आप अगर एक सीएससी वीएलई हैं तो किस तरह से आपको भी आधार का काम मिल पाएगा, क्या क्या पात्रता होनी चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, किस वेबसाइट पर जाके आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। तो यहां पर आप लोगों को यहां पर आपको वेबसाइट पे जाना है e-seva.cscloud.in/ucl/, इतना आपको सर्च करना है। तो आपके सामने भी कुछ इस तरह का जो इंटरफेस है वो ओपन हो जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं डेमोग्राफिक अपडेट थ्रू अपडेट क्लाइंट लाइट यूसीएल, तो दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेस है वो आपको देखने को मिल जाएगा। यहां पर आपको डिजिटल सेवा कनेक्ट का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आपको सिंपल सा इसी पर क्लिक कर देना है। और इस वेबसाइट का जो लिंक है दोस्तों हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, वहां पर आप दोस्तों अगर क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको डिजिटल सेवा कनेक्ट का जो ऑप्शन है इस पर ही क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का जो पेज है ओपन हो जाएगा, यूसीएल रजिस्ट्रेशन, आधार यूसीएल रजिस्ट्रेशन। तो यहां पर आपकी जो सीएससी आईडी है वो आपको दिखाई देगी और आपकी ईमेल आईडी और करंट स्टेटस यहां पर आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद आपको सिंपल सा प्रोसीड वाला जो ऑप्शन है इस पर ही आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो आपका जो भी सीएससी बीएलई होगा उसकी जो भी डिटेल होगी यहाँ पर कुछ डिटेल आपको शो करेगी, कुछ यहाँ पर आपको फॉर्म में फिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो प्लीज़ फिल डिटेल, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा बीएलई का नाम। तो यहाँ पर आपको जो भी बीएलई आप जो भी आपका नाम है वो अपना नाम यहाँ पर आपको एंटर कर देना होगा। नीचे बीएलई सीएससी आईडी में ऑटोमेटिक पहले से ही आपकी जो सीएससी आईडी है वो फिल होगी। इसके बाद बीएलई बैंक बीसी कोड, आपके पास जो आपका सीएससी है उससे कोई भी प्राइवेट हो या कोई भी एक बैंक का बीसी कोड होना चाहिए, वो बीसी कोड आप यहां पर एंटर करेंगे। जो भी सीएससी के द्वारा बैंक बीसी कोड मिलता है वो सीएससी आईडी ही उसका कोड होता है। तो यहां पर आपको अपना सीएससी आईडी का जो भी बीसी पॉइंट का जो कोड है वो आपको एंटर कर देना है। इसके बाद नेम ऑफ बैंकिंग इश्यू बीएलई बीसी कोड, तो जो भी आपको बैंक बीसी मिला है जिस भी बैंक का उस बैंक का यहां पर आपको नाम एंटर कर देना है। इसके बाद स्टेट वेयर सीएससी इज लोकेटेड, तो उस स्टेट को जहां पर आपका सीएससी सेंटर है वो यहां पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो यहां से आपको अपना जो स्टेट है उसको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे तो डिस्ट्रिक्ट वेयर सीएससी आईडी इज लोकेटेड, किस डिस्ट्रिक्ट में आपका सीएससी सेंटर है तो उसको भी आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको पिन कोड भी यहां पर एंटर कर देना है, जिस पिन कोड पर आपका सीएससी सेंटर है उसको एंटर कर देना है। नीचे की तरफ देखेंगे तो सीएससी सेंटर कंप्लीट एड्रेस, जो भी आपका सीएससी सेंटर है जिस एड्रेस पे उसका कंप्लीट एड्रेस यहां पर आपको जो है ऐड करना होगा। इसके बाद बीएलई का मोबाइल नंबर यहां पर ऐड करना होगा। इसके बाद बीएलई की ईमेल आईडी यहां पर आपको फिल करनी होगी। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो आधार एनएसईआईटी ऑपरेटर या सुपरवाइजर सर्टिफिकेट, तो यहां पर आपके लिए जो यूसीएल रजिस्ट्रेशन जो आप कर रहे हैं तो आपका आधार का काम तभी मिलेगा, तभी आपका रजिस्ट्रेशन हो पाएगा अगर आपके पास आधार ऑपरेटर या आधार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट है। तो यहां पर दोस्तों आपको सबसे पहले आधार सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट ले लेना है, उसके बाद यस पर आपको क्लिक करना है और यहां पर उसको अपलोड कर देना है। साथ ही साथ सर्टिफिकेट का नंबर यहां पर आपको एंटर कर देना है। नीचे की तरफ आएंगे तो ऑपरेटर या सुपरवाइजर जो भी आप सर्टिफिकेट इसका लगा रहे हैं, पुलिस वेरिफिकेशन कॉपी और वो भी 3 महीने से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, यहां पर आपको यस पर क्लिक करना है, उस कॉपी को अपलोड कर देना है। इसके बाद ऑपरेटर या सुपरवाइजर का जो ई आधार है आपको ई आधार को यस पर क्लिक करेंगे और आधार नंबर डाल के यहां पर आपको एक कॉपी भी अपलोड कर देनी है और आधार नंबर भी एंटर कर देना है। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो ऑपरेटर सुपरवाइजर मोबाइल नंबर लिंक विद आधार, आपको उस मोबाइल नंबर को यहां पर एंटर करना है जो आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। इसके बाद आपको ऑपरेटर या सुपरवाइजर का अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी यहां पर एक डालना होगा। इसके बाद आपको ऑपरेटर या जो भी सुपरवाइजर है उसकी ईमेल आईडी यहां पर एंटर करनी होगी। नीचे की तरफ आप देखेंगे तो यहां पर आपको एक लैपटॉप अवेलेबल एज पर यूआईडीआई स्पेसिफिकेशन क्लिक हेयर शो टू स्पेस, तो यहाँ पर आपको जो भी UIDAI की तरफ से जो कुछ गाइडलाइन के तरफ जो आपको एक लैपटॉप है वो दिया गया है वो आपके पास होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको यस पर क्लिक कर देना है। आपके पास एक कलर मल्टीफंक्शनल प्रिंटर अवेलेबल है या नहीं तो आपको यस पर क्लिक कर देना है। सिंगल फिंगरप्रिंट स्कैन डिवाइस अवेलेबल है, यस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको सिंगल IRIS स्कैन डिवाइस, जो आपको जो आंखों को स्कैन करने वाली जो एक डिवाइस होती है वो भी आपके पास होनी चाहिए, आपको यस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद TFT मॉनिटरिंग डिवाइस अवेलेबल होनी चाहिए आपके पास। इसके बाद GPS डिवाइस अवेलेबल आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद सीएससी सेंटर हैविंग द स्पेस ऑफ वेटिंग एरिया ऑफ एटलीस्ट सिटिंग ऑफ 5 सिटीजन्स, आपके पास एक ऐसा
एक स्थान होना चाहिए जहाँ पर कम से कम एक साथ 5 से 10 लोगों को बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए आपके CSC सेंटर पर। उसके बाद आपको इस पर क्लिक करना है और इनसाइड यानी जो भी आपकी शॉप है, जो भी आपका सेंटर है, उसके अंदर का एक फ़ोटो खींच के अपलोड करना है। उसके बाद एक आउटसाइड यानी बाहर की साइड से फ़ोटो आपको खींच के अपलोड कर देना है। उसके बाद आपके पास इंटरनेट अवेलेबिलिटी एट द सेंटर, आपके जो सेंटर है उस पर एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन होना चाहिए। उस ब्रॉडबैंड कनेक्शन की एक स्टैटिक IP ID होती है, वो ID को यहाँ पर आपको एंटर करना होगा। उसके बाद एक CCTV कैमरा भी आपके सेंटर पर अवेलेबल होना चाहिए। इसके बाद आपको इस पर क्लिक करके उस कैमरे का एक फ़ोटो खींच कर यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद आपका CSC सेंटर पर दिव्यांग व्यक्ति को आने जाने की उचित व्यवस्था भी होनी चाहिए। इसके लिए आपको इस पर क्लिक कर देना है। एक टोकन सिस्टम मशीन भी आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए, अगर है तो इस पर क्लिक कर देना है। अगर ये सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं और आपके सेंटर पर उपस्थित हैं तो आप अपने CSC से आधार UCL के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और जैसे ही आपका ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा और यहाँ पर आपको अपना एक रजिस्ट्रेशन नंबर देखने को मिल जाएगा। और जिस डेट में आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं आधार UCL के लिए, वो डेट यहाँ पर आपको शो करेगी। और उसके एक महीने के अंदर अगर आपकी सारी चीज़ें वेरीफाई हो जाती हैं तो एक महीने के अंदर आपका आधार UCL क्रेडेंशियल का जो कोड है वो आपको दे दिया जाएगा। अगर इसके बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो अपने स्टेट टीम या अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से भी संपर्क कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको जो बताने की कोशिश कर रहे थे वो आप अच्छे से समझ चुके होंगे। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।